हाय गाइस, भारद्वाज ट्यूटोरियल से मैं हूं अजय भारद्वाज। आज हम डिस्कस करेंगे वोल्ट मीटर्स। टॉपिक नेम इज वोल्ट मीटर। व्हाट डू मीन बाय द वोल्ट मीटर? दिस इज द वोल्ट मीटर। टॉपिक है वोल्ट मीटर। व्हाट डू मीन बाय वोल्ट मीटर? वोल्ट मीटर क्या है? इट इज अ डिवाइस विच इज यूज टू मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस इन ए सर्किट। कि एक डिवाइस होता है जिसका यूज हम किस लिए करते हैं, किसी भी सर्किट में जो पोटेंशियल फ्लो रहा उसकी वैल्यू को मेजर करने के लिए इसका यूज किया जाता है। वोल्ट मीटर बेसिकली क्या है? फ्रॉम यूनिट थर्ड, वोल्ट मीटर इज ए हाई रेजिस्टेंस। वोल्ट मीटर क्या होता है? इज ए हाई रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर। वोल्ट मीटर क्या है? ये एक हाई रेजिस्टेंस गैल्वेनोमीटर होता है। नेक्स्ट, इट इज यूज टू मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस इन ए सर्किट बिटवीन द टू पॉइंट। इसका मेन पॉइंट क्या है? इट इज यूज टू मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट इन ए सर्किट। कि जो पोटेंशियल डिफरेंस किसी भी सर्किट के दो पॉइंटों के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो रहा है, उस पोटेंशियल डिफरेंस को मेजरिंग करना इसका काम है, वोल्ट मीटर का काम है। तो बच्चों, वोल्ट मीटर क्या है? एक ऐसा डिवाइस है कि जिसका यूज हम टू मेजर द पीडी मींस पोटेंशियल डिफरेंस को मेजरिंग करने के लिए इसका यूज किया जाता है। आपने लास्ट यूनिट फर्स्ट यूनिट में आपने पढ़ा था पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, V इक्वल टू W अपॉन Q, वर्क अपॉन चार्ज, या फ्रॉम ओम्स लॉ V इक्वल टू IR, कि जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है करंट के और सम सूटेबल कंडीशंस पर, लाइक टेम्परेचर्स है, मैकेनिकल स्ट्रेंथ है एक्सेट्रा। तो वोल्ट मीटर एक हाई रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर है। इसका यूज हम पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने के लिए किया जाता है। नाउ इन द लेबोरेटरी, अगर आपकी लैब में वोल्ट मीटर का इंस्ट्रूमेंट नहीं है, टीचर साहब से कहता है कि आपको गैल्वेनोमीटर से क्या बनाना है, वोल्ट मीटर बनाना है, तो आप कैसे उसको कन्वर्ट करोगे? हाउ कैन यू कन्वर्ट द गैल्वेनोमीटर इनटू वोल्ट मीटर? नाउ नेक्स्ट पॉइंट, कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू वोल्ट मीटर। कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू वोल्ट मीटर, व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू वोल्ट मीटर? क्या प्रोसेस है कि गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर में कैसे कन्वर्ट किया जाए? सपोज हमारे पास लेबोरेटरी में क्या है, जी है, जी मीन्स गैल्वेनोमीटर है। हमने क्या किया, इस गैल्वेनोमीटर के सीरीज में हमने एक रेजिस्टेंस अटैच कर दिया, इसका नाम क्या है, आर। और ये कैसा रेजिस्टेंस है? इट इज ए हाई रेजिस्टेंस। हमने क्या किया, एक गैल्वेनोमीटर लिया, उस गैल्वेनोमीटर की सीरीज में एक रेजिस्टेंस लगा दिया आर। आर क्या है? एक हाई रेजिस्टेंस है। रेजिस्टेंस क्या होता है? ये एक अपोजिशन करता है फ्लो ऑफ करंट को, प्रतिरोध करता है करंट का, दिस इज द आर। हमने जी के सीरीज में एक हाई रेजिस्टेंस लगा दिया, तो दिस इज द कंप्लीट सर्किट इज आल्सो। ये जो कंप्लीट सर्किट है ये क्या, किसका वर्क करेगा? दिस इज वर्क फॉर वोल्ट मीटर। दिस इज द ए बी। ए बी इज द टू पॉइंट, एंड ए करंट इज आई इज आल्सो फ्लोइंग इन द सर्किट, देन करंट इज आल्सो आई जी इज पासिंग थ्रू द सर्किट पॉइंट ए एंड बी,
देन पोटेंशियल इज आल्सो वी, पोटेंशियल इज आल्सो वी बिटवीन द टू पॉइंट ए एंड बी। कि जो आई जी क्या है, गैल्वेनोमीटर करंट है जो पासिंग हो रहा है जी में, पोटेंशियल इज वी, पोटेंशियल इज वी। तो दिस प्रोसेस इज आल्सो कन्वर्ट द गैल्वेनोमीटर इनटू वोल्टमीटर। नाउ सेम प्रोसेस इन द लास्ट वीडियो, जी इक्वल टू गैल्वेनोमीटर रेजिस्टेंस, जी क्या है हमारे पास, गैल्वेनोमीटर रेजिस्टेंस है, स्मॉल एन नंबर ऑफ स्केल डिवीजन, नंबर ऑफ स्केल डिवीजन इन गैल्वेनोमीटर, एंड क्या है नंबर ऑफ स्केल डिवीजन इन गैल्वेनोमीटर, सेम एज के इक्वल टू फिगर ऑफ मेरिट, या करंट फॉर वन स्केल डिवीजन्स इन द गैल्वेनोमीटर। के का मीन्स क्या है, करंट फॉर वन स्केल डिवीजन इन द गैल्वेनोमीटर्स। सो करंट फॉर फुल स्केल डिवीजन आई इज इक्वल टू एन के, दिस इज आई इज इक्वल टू एन के, आई इज इक्वल टू एन के। इट मीन्स द गैल्वेनोमीटर इज ऑल्सो एक्वायर द मैक्सिमम पोटेंशियल, इज मैक्सिमम पोटेंशियल इज आई जी इंटू में जी बिफोर कन्वर्जन, बट आफ्टर कन्वर्जन इंटू एमीटर इंटू वोल्ट मीटर एक्वायर द पोटेंशियल इज वी। तो नाउ वोल्ट मीटर इज ऑल्सो मेजरिंग द पोटेंशियल इज जीरो टू वी वोल्ट, जीरो टू वी वोल्ट, एंड टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट इज, टोटल रेजिस्टेंस इज जी प्लस आर, दिस इज द रेजिस्टेंस इन सीरीज, जी प्लस आर, जी प्लस आर। नाउ यूजिंग ओम्स लॉ, ओम्स लॉ आल्सो यूज, ओम्स लॉ क्या होता है, वी इक्वल टू आई आर, तो वेयर पोटेंशियल इज वी, V equal to Ig, current is Ig, and total resistance is G plus R. So V equal to Ig into में G plus R. Now you will find the R is G plus R equal to क्या हो जाएगा, V upon Ig, where R equal to कितना हो जाएगा, V upon Ig minus G. This is the high resistance. R equal to V upon Ig minus G. R is the high resistance connected in the series of the galvanometers. V is the potential difference between the two point. Ig is the galvanometer current and G is the galvanometer resistance. Next, effective resistance is also effective resistance. कितना होगा इफेक्टिव रेजिस्टेंस, दिस इज रेजिस्टेंस दोनों आर एंड जी इन सीरीज, तो इट मींस इफेक्टिव रेजिस्टेंस इज आल्सो आर एस इक्वल टू जी प्लस आर, दिस इज द इफेक्टिव रेजिस्टेंस, दिस इज द इफेक्टिव रेजिस्टेंस इज इक्वल टू आर एस इक्वल टू जी प्लस आर। नाउ नोट पॉइंट, द आइडियल वोल्टमीटर हैज इंफिनिटी रेजिस्टेंस, हैज इनफाइनाइट रेजिस्टेंस, ये नोट पॉइंट है कि जो आइडियल वोल्टमीटर है उसका जो रेजिस्टेंस होता है इनफाइनाइट होता है। एंड मेन पॉइंट ऑफ दिस टॉपिक, द रेजिस्टेंस ऑफ द वोल्ट मीटर इज मच हायर देन द रेजिस्टेंस ऑफ द गैल्वेनोमीटर। कि जो रेजिस्टेंस है इस वोल्ट मीटर का कन्वर्जन होने के बाद इसका जो रेजिस्टेंस है वो बहुत हायर होता है कंपेयर टू द गैल्वेनोमीटर के रेजिस्टेंस के। ये टू पॉइंट इंपोर्टेंट है। नेक्स्ट है कि जो आइडियल वोल्टमीटर हैज इनफाइनाइट रेजिस्टेंस, बट इन कंपैरिजन ऑफ एमीटर एंड आइडियल एमीटर हैज जीरो रेजिस्टेंस, एमीटर का जीरो रेजिस्टेंस होता है और वोल्टमीटर का क्या होता है, इनफाइनाइट रेजिस्टेंस होता है। ये वन मार्क्स में, नीट में या जेई में या कोई भी एग्जाम है, बोर्ड एग्जाम हो, सीबीएसई, एचबीएससी, आईसीएसई, सब में वन मार्क्स का क्वेश्चन इनमें से ये क्रिएट होता है कि किसमें जीरो रेजिस्टेंस है और किसमें इनफाइनाइट रेजिस्टेंस। तो जीरो रेजिस्टेंस फॉर एमीटर्स एंड इनफाइनाइट रेजिस्टेंस फॉर वोल्टमीटर्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब द चैनल, प्रेस द बेल आइकन।